रायपुर में जोरा स्थित किन्नर मठ का प्रमुख बनने मुंबई की किन्नर तपस्या ने 12 लाख की सुपारी देकर काजल का मर्डर करवाया। बलौदा बाजार में काजल को चाकू से वार कर मारा गया, फिर शव को ढाबा डीह इलाके में बंद पड़े पत्थर खदान के बाहर फेंका गया। 18 नवंबर को काजल उर्फ कोको कोला का शव मिला था, जो रायपुर के जोरा स्थित किन्नर डेरा में रहती थी। पुलिस ने मर्डर के आरोप में दो किन्नर और बजरंग दल के कार्यकर्ता सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि रायपुर के जोरा में किन्नरों का आश्रय है। हत्या की प्रमुख आरोपी तपस्या किन्नर मठ की प्रमुख बनना चाहती थी। इसके लिए उसके रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती काजल थी, इसलिए सुपारी देकर काजल का मर्डर करवाया गया। दो दिन पहले धाबली नामक ग्राम में शव प्राप्त हुआ था, जो एक किन्नर का शव था। बाद में उसकी शिनाख्त रायपुर में रहने वाले काजल के रूप में हुई थी, और उस घटनाक्रम के उपरांत FSL की टीम और बाकी पुलिस के अधिकारी सारे पहुंचे हुए थे। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि काजल मूलतः जोरा रायपुर में एक मठ की रहने वाली थी, किन्नर मठ की, और वहाँ पे मठ के मठाधीश बनने को लेकर वहाँ विवाद था। एक गुट खुद बनना चाहता था और काजल जो वर्तमान में मठाधीश है उनकी जगह लेने के लिए वो भी लड़ाई थी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पूर्व में भी विवाद हो गया था। प्लानिंग के तहत आरोपी पक्ष ने इसको एक सुपारी दी थी। पहले 6 लाख की एक सुपारी एक व्यक्ति को दी थी, वो व्यक्ति किसी दूसरे कारण से जेल में चला गया, इसके उनका पैसा डूब गया। फिर 12 लाख में उन्होंने दूसरा व्यक्ति जो इनका ड्राइवर था उसको दिया था। ड्राइवर ने दो लड़कों को अरेंज किया था। इस प्रकार 3 वो लड़के और निशा और तपस्या, ये मिलके इस घटना को अंजाम दिए। मूलतः किन्नर तपस्या गोंदिया की मुंबई की रहने वाली है और मुंबई से यहाँ 6 साल पहले आई थी, और इस ये वर्तमान में जो ज्योति नायक किन्नर मठ में प्रमुख है, ये उसकी जगह लेना चाहती थी। लिहाजा ये विवाद तब से शुरू हुआ था, और आपसी जो मनमुटाव था वो सुपारी किलिंग का कारण बना।